स्क्रीन की रसोई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज मिलेट खिचड़ी, जो कि है डाइट पर पस से मैंने ये बनाई है क्योंकि हमारे घर में डाइट कंपटीशन चल रहा है तो सभी को जीतना है, तो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा मेरी बनती है कि मैं सबको अच्छा मील दूँ। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये बनाई वेज मिलेट खिचड़ी, तो उसी की रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए मेरे किचन में और देखते हैं किरण की रसोई से कैसे बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें। यह है मेरे पास लिटिल मिलेट, जो कि विटामिन बी और रिच आयरन से भरपूर है और ये अनपॉलिश्ड है और ग्लूटेन फ्री ये वाला ग्रेन होता है, तो इसकी हम आज खिचड़ी बनाएंगे। तो आप इसे उपमा भी बना सकते हैं, खिचड़ी भी। तो आज मैं इसकी, ये देखिए अनपॉलिश्ड है बिल्कुल, इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि नेचुरल है। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर रखा है और उसमें मैं एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। तो हम बना रहे हैं देसी खिचड़ी, तो देसी घी में ही इसे बनाना अच्छा होगा, तो आप इसे देसी घी में ही बनाएं। अब मैंने इसके अंदर जीरा आधा चम्मच और कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते काट कर डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर लहसुन ऐड कर रही हूँ, तो इससे कि अच्छा रहेगा आपके लिए ये। और इसके साथ मैं प्याज काट रही हूँ बारीक कटा हुआ, एक प्याज है बड़ा, और ये है मटर के कुछ दाने, और मैं इसके साथ डाल रही हूँ टमाटर। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से चला लेंगे, सौते करेंगे, और ये हरी मिर्च भी डाल दी है। टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले आप ऐड कर सकते हैं, पर हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी है और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये कुछ मूंगफली के दाने भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पीनट बटर हम इतना खाते हैं तो पीनट ही क्यों ना इस्तेमाल किया जाए अपनी डाइट में। तो यहाँ पर मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक और उसी के साथ मैंने डाल दी एक तिहाई लाल मिर्च और एक तिहाई गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच और देगी मिर्च थोड़ी सी, और ये सारी चीज़ों को, हल्दी भी डालेंगे इसके अंदर एक चौथाई चम्मच, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक ऐसे ही तेज़ आंच पर चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि थोड़ा सा मसाले और सब्जियां आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब इसी के साथ मैंने जो मिलेट है उसे अच्छी तरह 2-3 पानी से धोकर इस तरह से थोड़ी देर, सिर्फ साथ साथ ही जब तक सब्जियाँ पकी हैं तभी तक धोया है, और इसे एक कटोरी मिलेट मैंने जैसे लिया है तो सब्जियों के साथ आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, डाल देंगे कुकर के अंदर, और 3 गुना पानी, अगर आप 1 कप ले रहे हैं मिलेट तो 3 कप पानी आपको इसके अंदर ऐड करना है, जिससे कि आपकी जो मिलेट खिचड़ी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसमें 3 गुना आप पानी डाल दीजिए और इसे सिर्फ 1 विसल आने तक पकाइए और फटाफट से रेडी हो गई आपकी एक डाइट मील, और बहुत ही अच्छा है ये, आपको खाकर भी टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और चलिए तो 1 विसल के बाद देखते हैं कुकर खोलकर कि हमारी खिचड़ी का है क्या हाल। अब ये कुकर का ढक्कन मैं खोल रही हूँ, देखिए कितनी ही कलरफुल वेजिटेबल से भरा हुआ ये मिलेट खिचड़ी है, गर्मा गर्म तैयार खाने के लिए। तो चलिए इसे अब मैं सर्व करती हूँ। तो तैयार है दोस्तों किरण की रसोई से वेज मिलेट खिचड़ी, देखिए कितनी शानदार लग रही है, कलरफुल है, और सैलेड के साथ इसे परोसिए गर्मा गर्म, आप दही भी इसके साथ ले सकते हैं। तो ये मैंने खिचड़ी इस तरह से सर्व की है और बड़ी ही मज़ेदार बनी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर।